नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस यूपी पर। मैं हूं नवीन चौहान। 5 कालिदास मार्ग, वहां से बात निकली और पहुंच गई सीधा दिल्ली तक, या यूं कहें कि 5 कालिदास मार्ग के ठीक सामने से बात निकलकर दिल्ली पहुंची। अगर सीधी सीधी मुद्दे की बात की जाए तो बात यह है कि वहां 100 रुपए के एक स्टाम्प पर लव लेटर लेकर खड़ी थी इस महिला ने। क्या से क्या कर दिया, सोचा किसी ने नहीं था। ये तो आई थी अपना प्यार जताने बताने, किसी की समझ में आया हो या ना आया हो, लेकिन एक बात तो हो गई। पहले तो एक पत्रकार गिरफ्तार हो गए और उसके बाद बात सीधा दिल्ली तक पहुंच गई। अब राहुल गांधी ने भी इस बात पर बात बोल दी, ट्वीट कर क्या कहा पहले ये देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ झूठी या मनगढ़ंत रिपोर्ट लिखने वाले या आरएसएस बीजेपी प्रायोजित प्रोपोगंडा चलाने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाए तो अधिकतर अखबार न्यूज चैनलों का स्टाफ की गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता है। यूपी के सीएम का व्यवहार मूर्खतापूर्ण और गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा करने की जरूरत है। तो आपने देखा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उन्होंने मूर्खतापूर्ण कदम बताया इसको। लेकिन बात कहां से शुरू हुई थी, बात जरा यहां से शुरू हुई थी, आप फिर सुन लीजिए। उसी में काफी बार उन्होंने कहा इधर आओ, और मतलब आई लव यू भी बोला कई बार। तब हमें पता चला उनकी फीलिंग क्या है ना। उनकी फीलिंग के बेस पर ही हम इतना ज़्यादा इमोशनल हुए कि हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ उनके प्यार की वजह से, उनके इमोशंस की वजह से। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस में सच्चाई नहीं है। जब हमने उनके इमोशंस में सच्चाई देखी तब हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम सेकेंड मैरिज नहीं करेंगे, हम पूरी लाइफ इन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। हमें पता है वो सन्यासी हैं, मैरिज के सपोर्ट में नहीं होंगे। तो देखा, ये महिला कह रही है कि वीडियो कॉल करते हैं, कहाँ करते हैं पता नहीं, पत्रकार घेरे रहते हैं, बात में दम है नहीं। हर कोई यही सवाल उठा रहा है कि ये महिला आखिर बोल क्या रही है। लेकिन ये महिला जो भी बोल रही थी, बात सीधा अंदर तक जरूर पहुंच गई। पत्रकार इस पर डिबेट तक करने लगे और एक पत्रकार ने जब ये ट्वीट किया तो उस बेचारे को जेल तक जाना पड़ गया। ये पत्रकार स्वतंत्र हैं, नाम है प्रशांत कानूजिया, और इनको जेल की हवा खानी पड़ गई। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, या यूं कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि पत्रकार को तुरंत रिहा किया जाए। एक ट्वीट ही तो किया था, इस ट्वीट करने से इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि सीधा जेल में डाल दिया, बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूछताछ के सीधा हवालात। पत्नी ने यह सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, याचिका लगाई थी, और उसके बाद ऑर्डर आ गया। जब यह ऑर्डर आया तो राहुल गांधी दिल्ली में बैठे अब ट्वीट भी करने लगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, और इसको योगी सरकार का मूर्खतापूर्ण कदम बता दिया। शायद वो महिला बोलकर चुप हो जाती, उसे पता भी ना था वो कहां थी, क्या करना था। लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी क्या की तो बवाल मच गया। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। वैसे आगे होना क्या था, जो होगा होना था वो तो हो चुका। अब तो सिर्फ बात होगी कि पुलिस ये क्या कर रही थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।